आज मैं मैगी से चाउमीन बनाने जा रही हूँ, तो आप लोग ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं मैगी ले ली हूँ, तो मैगी ले लेना है, जितना आप लोगों को बनाना होगा उस हिसाब से मैगी ले लेना है, बहुत ही अच्छा इसका चाउमीन हम बनाएंगे। तो आप लोग वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा लास्ट तक। गैस पे मैं एक कढ़ाई ले ली हूँ, इसमें एक गिलास पानी डाल दी हूँ गर्म होने के लिए। अब ये छलनी वाला जाल वाला ये थाली ले लेना है, इस पे रख देना है। अब इसमें हम दोनों ये मैगी का स्लाइस रख देंगे। अब इसे हम ढक्कन से ढक के स्टीम कर लेंगे। देखिए मैगी स्टीम हो चुकी है, अच्छे से पक चुकी है। अब इसमें हम दो बूंद तेल डाल देंगे ऊपर से। गैस बंद कर देना है और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि ये आपस में चिपके ना। अब इसे हम साइड में रख देंगे, अभी ढक कर ही रख देना है साइड में। यहाँ पर मैं सब्जी काट करके ले ली हूँ, तो ये पत्ता गोभी, शिमला मिर्च और प्याज और तीन चार हरी मिर्च लंबे लंबे पतले में कट करके ले ली हूँ। तो ये कट करके ले लेना जब तक मैगी स्टीम करना है तब तक। गैस पे मैं एक कढ़ाई ले ली हूँ, इसमें एक बड़े चम्मच तेल डाल देंगे। तेल गरम हो चुकी है, तो सबसे पहले इसमें हम शिमला मिर्च डाल देंगे। दो मिनट हम शिमला मिर्च को पका लेंगे। दो मिनट शिमला मिर्च में पका ली हूँ। अब इसमें प्याज डाल देना है। शिमला मिर्च के साथ हम प्याज को भी फिर से दो मिनट पका लेंगे, तो प्याज भी सॉफ्ट हो जाए। दो मिनट पका ली हूँ, तो प्याज भी सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसमें कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे, तो तीखा आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हैं कम ज़्यादा। और ये पत्ता गोभी भी डाल देना है इसमें। अब मीडियम आंच पे हम सारी सब्जी को थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे, पका लेंगे। तो देखिए कैबेज भी पत्ता गोभी भी सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, तो एक चम्मच मैं नमक ले ली हूँ छोटी चम्मच से, तो स्वाद अनुसार नमक डालना है। देखिए सब्जी थोड़ी सी सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसमें हम सोया सॉस डाल देंगे एक चम्मच छोटे चम्मच से, और एक चम्मच ग्रीन चिली सॉस, एक चम्मच टमाटो केचप, एक चम्मच चिली सॉस रेड चिली सॉस, और मैगी मसाला डाल देंगे हम। जितने हम मैगी लेंगे उसका मसाला हम डाल देंगे। अब इसमें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो दो मिनट को पका लेना है, अच्छे से पक चुकी है सब्जी। अब इसमें हम ये मैगी डाल देंगे। अब इसे हम मिक्स कर देंगे मैगी को मसाले के साथ। अच्छे से मिक्स हो चुकी है। तो हमारा ये मैगी चाउमीन बनके तैयार हो गई। तो आप लोग एक बार ज़रूर बनाइएगा और सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा।